अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ जनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलाइड हेल्थ साइंस, नर्सिंग और डीबीटी के एडमिशन्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट को, हमें कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करवाए जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अलाइड हेल्थ साइंस में फॉर्म डी का प्रोग्राम हमें ऑफर करवाया जा रहा है, जिस इसके अलावा हमें BSN जेनेरिक DPT, बैचलर ऑफ साइंस इन पब्लिक हेल्थ, बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी फोर ईयर प्रोग्राम्स मेडिकल एंड डेंटल टेक्नोलॉजी में ऑफर करवाया जा रहा है। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म डी की, तो ये हमें इंस्टीट्यूशन ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस 5 ईयर प्रोग्राम ऑफर करवाया जा रहा है। अगर स्टूडेंट के 60% मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में तो वो एलिजिबल है फॉर एडमिशन के लिए। आपने FSC प्री मेडिकल साइंस के साथ की हो, इसके साथ ही हमें BS जेनेरिक फोर ईयर प्रोग्राम ऑफर करवाया जा रहा है। अगर स्टूडेंट के मैक्सिमम 50% मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में वो एलिजिबल है फॉर एडमिशन के लिए। FSC प्री मेडिकल उन्होंने की हो तो एज लिमिट है 18 to 35 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम DPT की बात करते हैं तो 5 ईयर प्रोग्राम है ये हमारे पास, और इसमें अगर स्टूडेंट के 60% मार्क्स हैं तो वो एलिजिबल है फॉर एडमिशन के लिए FSC प्री मेडिकल के साथ। बैचलर ऑफ साइंस इन पब्लिक हेल्थ 4 ईयर प्रोग्राम हमें ऑफर करवाए जा रहे हैं। मिनिमम स्टूडेंट के 50% मार्क्स इंटरमीडिएट में रिक्वायर्ड है, और जो इसके इक्विवेलेंट किसी में भी हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर एडमिशन के लिए। बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी 4 ईयर प्रोग्राम हमें मेडिकल एंड डेंटल टेक्नोलॉजी में ऑफर करवाया जा रहा है, जिसमें हमारे पास है कार्डिक परफ्यूजन, क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंस, रेस्पिरेटरी थेरेपी, न्यूरोलॉजिकल इमेजिंग, कार्डियोवास्कुलर साइंस, न्यूक्लियर मेडिसिन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और डेंटल टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हमें ऑफर करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्म की, तो वो इनकी वेबसाइट पर मौजूद है 5 दिसंबर से। इसके साथ ही लास्ट डेट अप्लाई किया 26 दिसंबर, एंड टेस्ट जो है उसकी अनाउंसमेंट नहीं अभी की गई। मेरिट फार्मूले की बात करते हैं तो इसमें 40% मार्क्स इंटरमीडिएट की और 60% हमारे पास वेटेज होगी टेस्ट की। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो A+ BN के अंदर उनको प्लस करके हमारे पास फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। ओनली सिंध के डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसीजर की अगर मैं बात करती चलती हूँ तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिल करना है आपने फॉर्म, जिसमें 3000 रुपीज़ आपकी प्रोसेसिंग फ़ी है जो कि नॉन रिफंडेबल है। आप एनी ब्रांच ऑफ HPL में सबमिट करवा सकते हैं। ओनली सिंध के डोमिसाइल होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन या बिफोर द लास्ट डेट एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी अपलोड वो एक्सेप्टेबल नहीं है। डिटेल ऑफ ऑनलाइन प्रोसीजर अवेलेबल है ये वेबसाइट पे। डेट ऑफ एंट्री टेस्ट जो है विल बी अनाउंसड ऑन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड जो है वो आपका आपके पोर्टल पे वेन्यू एंड टाइम वगैरह अपलोड कर दिया जाएगा। आपने अपने पोर्टल को विजिट करते रहना है। कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि वो विजिट करते रहें वेबसाइट को फॉर लेटेस्ट न्यूज़। नो पर्सनल कॉन्टैक्ट विल बी डिटेन। अकोमोडेशन इज नॉट अवेलेबल फॉर एनी कैंडिडेट्स। अगर कैंडिडेट मोर देन वन प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो उसको सेपरेट से 3000 रुपीज़ यानी कि फी वाउचर देना पड़ेगा। ऑफिस ऑफ एडमिशन 3rd फ्लोर जनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये एड्रेस मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं इसमें ऑनलाइन अप्लाई की, तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म डी में ऑनलाइन अप्लाई की 26 डेट है। बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग में 26 है, डॉक्टर ऑफ DPT में 26 है, बैचलर ऑफ साइंस इन पब्लिक हेल्थ में 26 है एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी में 26 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया है कि 60% मार्क्स होने चाहिए, मेरिट फार्मूला में 40% आपका इंटरमीडिएट एंड 60% आपकी वेटेज होनी चाहिए एंट्री टेस्ट की, और ओनली सिंध के डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं फॉर एडमिशन के लिए। इसके अगर हम बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग की बात करते हैं तो इसमें 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे एज की लिमिट है 18 to 35, मेरिट आपकी वेटेज होगी 40% इंटरमीडिएट, 60% आपका होगा एंट्री टेस्ट, और इसमें भी ओनली सिंध के डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकेंगे। इस तरह उन्होंने डॉक्टर फिजिकल थेरेपी का बताया हुआ है, सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसके लिए हम बात करते हैं बैचलर ऑफ साइंस की, तो इसका एलिजिबिलिटी 50% आपके मार्क्स इसमें रिक्वायर्ड है, और इसमें सिंध के डोमिसाइल होल्डर ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह आपने किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो सिंपली आप अप्लाई नाउ पर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फॉर्म डी पर अप्लाई करना है, तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो उन्होंने कहा है कि आप लॉग इन करें, बट अगर नहीं है वहाँ पे नेम अपना, फादर नेम, आईडी कार्ड, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने तो फिलअप नहीं किया हुआ तो ये फेल्ड आ रहा है मेरा। बट अगर आप
ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आपने अपना ईमेल और अपना पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन पे चले जाना है, तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसको आप फिलअप करेंगे, और फिलअप करने के बाद लास्ट पे आपके पास 3000 रुपीज़ का चलान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट की कोई भी क्यूरी है मेरे से एडमिशन के अबाउट, तो आप कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह।